एसके ग्रुप द्वारा भटेना खाते पीरवाड़ी वाले बाबा की दरगाह की चादर काढ़ी दरगाह पर चादर पेश करी हती। दर वर्षे एसके ग्रुप द्वारा कढ़ाती चादर में आसपास लोग मोटी संख्या में जोड़ाए छे। सुफियत हजरत पीरवाड़ी वाले बाबा नू बे दिवसीय उजवायेला उर्स में हिंदू और मुस्लिम बिरादरोए मोटी संख्या में उपस्थित रही देश में अमन सुकून और भाईचारा की दुआ मांगी थी। उर्सना दिवसे नात दुरुदो सलाम बाद नियाज नज वहेचणी कराई थी और मोटी संख्या में हिंदू मुस्लिम समाज भाई बहनों उमटी दरगाह पर मानता उतारी थी। तेमज सारा स्वास्थ्य माटे दुआ करवामां आवी हती। त्या दर वर्षे भाटेना खाते ना एसके ग्रुप जे नात जातना भेदभाव वगर कुदरती आफतना समय तेमज लोकहित में काम करता आव्या छे। आजे वाड़ीवाले बाबा उर्स निमित्ते दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण भाटे खाते नो एसके ग्रुप द्वारा धूमधाम पूर्वक ढोल नगाराना ताले चादर काढवामां आवी हती अने दरगाह पर चादर चढ़ावी देश प्रगतिना पथ पर दिवसे अने दिवसे आगळ वधे तेमज सूरत गुजरात सहित देश में भाईचारा साथे कौमी एकतानो माहोल जोवा मळे। कैमरामैन हकीम शेख साथे वसीम हासमी नो रिपोर्ट आजाद न्यूज सूरत। आपका नाम? मंसूर भाई चश्मा वाला। कौन सी जगह और क्या प्रोग्राम है? आज हम लोग यहाँ भाटेना रजानगर के अंदर मौजूद है और हर साल की तरह एसके ग्रुप ने आज वाड़ी वाले बाबा के उर्स मुबारक के मौके के ऊपर एक चादर का आयोजन चलाने का आयोजन किया गया है। उसमें सारे जितने भी नौजवान बच्चे हैं खूब उत्साह से चादर का प्रोग्राम कर रहे हैं और भाटेना एरिया के लिम्बा जीरे के महानुभाव को बुला के उनका सम्मान किया गया, जिसमें टेम्पो एसोसिएशन के प्रमुख है जनाब अब्दुल भाई, कांग्रेस के महामंत्री है अल्ताप फ्रूट वाला, फिर हमारे दूसरे शाह जमात के आगे हरी साहब है और दूसरे महानुभव है, वे सब आए और उनका सम्मान किया है। और मैं लड़के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस साल की तरह भी हर साल धामधूम से वाड़ी वाले बाबा की चादर को पेश करें और ऐसा उत्साह उनके अंदर आजीवन रहे। क्या बोलना चाहते हो उसके बारे में? दरगाह तो अब दरगाह के बारे में मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। अल्लाह इन्ना वली अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलिया को किस बात का डर है? जैसा लगता है उर्स बना के? बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग को बचपन से देखते आ रहे हैं, जब पूरा जंगल था हम लोग उस जमाने से वाड़ी वाले बाबा का उर्स देखते हुए आ रहे हैं। कितने दिन चलता है उर्स? लगभग 3 से 4 दिन उर्स मुबारक चलता है। चादर में आके कैसा लगा? चादर में आके बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं बच्चे लोगों से आह्वान करूँगा कि उन्होंने जो उत्साह से ये जुलूस का चादर का प्रोग्राम किया है ऐसा हर साल करे और उनको हम लोग हिम्मत देते हैं कि कुछ भी उनको तकलीफ हो तो हमसे मिले। ये भाटेना राजानगर एक है और इसके ग्रुप की तरफ से ये चादर निकाले गई वाड़ी वाले बाबा की 44वां उर्सू शरीफ है। और उर्स के अंदर चादर फिर सिगनी वगैरह सब पेश किया जाता है वहाँ पे और सब मतलब धूमधाम से हम बनाते हैं सब। कैसा लगता है चादर काटकर? बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। क्या बोलना चाहते हो इसके ग्रुप द्वारा? इसके ग्रुप के द्वारा ये बोलना चाहता हूँ मैं कि हर साल ऐसी धूमधाम से चादर काढ़ो, गरीब नवाज की छठी शरीफ बनाओ, अपने मोहरम की छबील बनाओ, 11वीं शरीफ की नियाज व्याज सब करो धूमधाम से। आज यहाँ चादर यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से अभी 80 फुट का रोड किन्नारी का राउंड मार के वाड़ी वाले बाबा की दरगाह में पेश किया जाएंगे। कैसा लगता है चादर दरगाह पे आके? बहुत सुकून मिलता है। मेरा नाम अयूब शेख, टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन कमेला दरवाजा से अयूब शेख। कौन सी जगह और क्या प्रोग्राम है? ये भाटाना रजानगर एसके ग्रुप लोगों ने दर साल इनके आज से 15 साल से तो मैं ग्रुप को देख रहा हूँ, हर वर्ष में ये लोग बाबा वाड़ी वाले बाबा की चादर का आयोजन करते हैं और सभी धर्मों के लोग आजू बाजू आते हैं और आज से वाड़ी वाले बाबा का बहुत सूरत शहर में नाम है और हमारे ख्वाजा साहब बाबा का तो ये उर्स होता है तो इसमें हरे धर्म के लोग मौजूद होते हैं और ये उर्स ये लोग छोकरे लोग काफ़ी समय से काट रहे हैं, कोई इनको ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम होता है और करते रहे हमारी ये अपेक्षा है लोगों से। क्या